वेलकम टू अमतुल्स फूड डायरीज। अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत दे, हमें अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बना दे और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। जी जनाब, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी मटन तहारी। ठीक है, मटन की तहारी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, विद बोन है। ठीक है, और ये जो है वो 3.5 ग्लास जो है वो मैंने लिया है चावल। ठीक है, बासमती ले लें या घर के कोई से भी आप ले सकते हैं। मैंने बासमती लिए हैं और ये तकरीबन वेट में 750 ग्राम है। ठीक है, अब साथ साथ शुरू करते हैं और मैं चीज़ें भी उसी तरह बताती जाऊंगी। अच्छा जी, एक कुकर ले लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 3/4 कप तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है और अब इसमें मैं 2 बारीक कटी हुई प्याज, मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काटा है, उसको मैं तलूंगी और रेड करूंगी। ठीक है, गोल्डन फ्राई करूंगी। ये देखिए, प्याज गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें कुछ साबुत मसाले डालूंगी, जिसमें दालचीनी 2 अदद, तेज़पत्ता है 1/2 चम्मच जो है वो मैंने साबुत काली मिर्ची ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, लौंग 4 अदद, 4 से 5 अदद, और ये जो है 1/2 टीस्पून ही मैंने जीरा, काला जीरा लिया। ठीक है, ये डाल देंगे। इसमें अदरक लहसुन डालेंगे 1/2 टेबल। अब इसमें गोश्त डाल दूंगी। भूनते हुए हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे, 2 अदद टमाटर मैंने लिए थे मीडियम साइज। नमक 2 टीस्पून, फिल वक्त चावलों में अलग कर लेंगे। ठीक है, लाल मिर्ची 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया भुना हुआ पिसा हुआ 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला। अच्छा जी, मसाला अच्छा भुना गया है, अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। ठीक है, दही जो है वो 250 ग्राम, 1 पाव। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये हैं कुछ काढ़ियाँ पुदीने की, वो डाल रही हूँ, और 5-6 हरी मिर्ची है बारीक वाली, वो मैंने डाल दी। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि दही भी है और गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा, इसलिए मैं इसमें 1/2 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया। ठीक है, अब गोश बन जाने तक मैं कुकर में पकाऊंगी। अच्छा, आप अगर भगोने में पका रहे हैं, कुकर में नहीं पका रहे, तो दही इस वक्त मत डालिए, दही गोश गलने के बाद डालिए। चलिए, अभी मैं तेज़ आंच पे इसको रखूंगी प्रेशर आने तक, और उसके बाद इसको हल्के आंच पे तकरीबन 20 मिनट पकाऊंगी। अच्छा जी, गोश अच्छा गल गया। ठीक है, अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं भगोने में।
जरा चूल्हे तेज कर देते हैं। गोश्त को हमने पहले ही भून लिया था, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। चावल जो थे वो हमारे पास, ये हमारे पास कुकर में जो पानी, कुकर में जो मसाला था उसका ही पानी हम डाल रहे हैं। ठीक है, पानी डाल के उसमें डाला है तो तकरीबन एक ग्लास इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अच्छा, चावल हमारे पास 3.5 ग्लास हैं तो इसमें कम से कम 7 ग्लास टोटल पानी होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है इसमें अभी मुझे लग रहा है कि 2 ग्लास तो है इसमें, 2 ग्लास से ज़्यादा ही है, 6 ग्लास में इसमें पानी डाल। ठीक है, अब मैं इसमें नमक वगैरह चेक कर लूँगी, नमक वगैरह नमक कम है इसमें तो नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्ची, 2 टीस्पून डाल दूँ। ये मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ, ऐसे थोड़ा ढक के रखेंगे ताकि बॉईल आ जाए। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और अब हम जो है इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लांच पे मैं इसे रखूंगी। थोड़ा धनिया भी डाल देते हैं, पुदीना तो हमने उस वक्त ही डाल दिया था काढ़ी, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फुल आंच पर रखना है, ढक के रखेंगे, थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे और फिर थोड़ा पानी कम हो जाएगा तो फिर हम इसको पूरा ढकेंगे। ये देखिए पानी इतना सूख गया, चावल ऊपर आ गए, इसको ज़्यादा नहीं खाएंगे, इसको हम पूरा रख देंगे। ठीक है, चूल्हे को आहिस्ता कर देंगे। चलिए जी चेक कर लेते हैं, हल्का चूल्हे को हमने दम पे रख दिया था, हो गई है तिहारी तैयार। थोड़ा सा भी है पानी, ये भी पूरा हो जाए, देखिए थोड़ा सा है, ये भी हो जाए तो फिर हम निकाल देंगे। डिश आउट करती हूँ, चलिए जी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।